इवन संजीव सर हम लोग को पर्सनली बहुत इनकरेज करते थे कि तुम लोग को 95 लाना है, 93 लाना। और आप देख रहे हैं बदलता बिहार, और हम अभी छपड़ा शहर के गुरुकुल क्लासेज में हैं। बहुत बधाई। थैंक यू। मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे टीम के माध्यम से, आपने आपका कितना परसेंट आया है? 93.8। किस क्लासेज में? 12th क्लास, इंटरमीडिएट प्लस टू। जी जी जी। तो और मैं स्ट्रीम आर्ट्स था, मतलब साइंस नहीं है मेरा सब्जेक्ट, आर्ट स्ट्रीम से मेरा स्कोर है। तो तैयारी का आपका तरीका है, क्या तरीका रहा कि इतना अच्छा मार्क्स आया? यहाँ के शिक्षकों का क्या योगदान है? हाँ, वो तो एक उनका सपोर्टिव नेचर है बहुत ज़्यादा। खुद इवन संजीव सर हम लोग को पर्सनली बहुत इनकरेज करते थे कि तुम लोग को 95 लाना है, 93 लाना है। बहुत मतलब उनसे जब मिलते थे तो उनका ये होता था। फिर दूसरा था कि सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा थी, मतलब मोर देन 95% सेल्फ स्टडी थी। और सेल्फ स्टडी भी NCERT बेस्ड, क्योंकि मतलब NCERT का जो सिलेबस है बहुत कॉम्पैक्ट है और CBSE की सारे क्वेश्चंस उसी से होते हैं, तो आप CBSE पे ब्लेम नहीं लगा सकते कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया या ऐसा कुछ। तो मतलब हमारे बैच में तो अभी तक नहीं हुआ ऐसा। तो बस उसी के वजह से मतलब एग्ज़ाम्स अच्छे गए थे क्योंकि क्वेश्चन सही लग रहे थे। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होते हैं वो कितना मतलब? हाँ बिल्कुल, एक बार आपको मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि आपको 10 साल के सारे पेपर्स देख लेने चाहिए, लेकिन अगर आप 10 साल का नहीं भी देख रहे हैं तो आपको लास्ट 2-3 ईयर्स का तो मस्ट है कि आप देख लें, क्योंकि मतलब वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो आएगा ही आएगा वैसा, पर हाँ एक पैटर्न और एक माइंडसेट आपका रेडी हो जाएगा कि इस टाइप से आंसर करना है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इतने मार्क्स के होंगे, तो हाँ देख लेना चाहिए। आपका आर्ट्स विषय है, आगे का क्या तैयारी है आपका? आगे अभी BA करना है अपना, मतलब अपना ग्रेजुएशन करना है BA ऑनर्स, और मतलब हिस्ट्री से कोशिश रहेगी, हिस्ट्री से करने की, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। आपका नाम क्या बताया? शांभवी द्विवेदी। शांभवी द्विवेदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ इस संस्था के टीचर हैं जो बच्चों के साथ रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेहनत किया, और आपके मेहनत के बदौलत, आपके पूरी टीम के मेहनत के बदौलत इतने अच्छे और बल के रूप में बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो पहले आपको मेरे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। किन किन विषयों की पढ़ाई आपके यहाँ होती है और क्लासेज क्या होते हैं? जी, हमारे यहाँ तो गुरुकुल क्लासेज में 11th 12th को फोकस किया जाता है। वैसे यहाँ पर क्लास नर्सरी से लेकर के और क्लास 12th तक की पढ़ाई होती है। जी जी। और अभी जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये सभी वैसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ के मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने 90% से प्लस मार्क्स ले आए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे जो आज एबसेंट है कुछ कोरोना में लॉकडाउन के कारण, जो अपने कुछ अपने गाँव में फंसे हुए हैं, लेकिन और भी यहाँ पर भीड़ होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 90% से वह मार्क्स ले आए हैं। तो हमारे यहाँ आपको हम बता दें कि यहाँ पर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम की पढ़ाई होती है, ठीक है। और तीनों स्ट्रीम में हमारे यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छे करते हैं, और यहाँ के बच्चों का मेन मोटिव ये होता है, हम लोग जो प्रयास करते हैं कि यहाँ के बच्चों को सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कराएं, क्योंकि सेल्फ स्टडी क्या होता है कि सबसे बेस्ट स्टडी होता है। और बच्चे खुद से जब किताबों पर फोकस करते हैं, खुद से पढ़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो किताबों से अच्छी खासी नॉलेज निकाल कर ले आते हैं। और हमारे जो बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होता है, वे सभी बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, और इनको हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं बाहर ना पढ़ने दिया जाए, सेल्फ स्टडी पर फोकस किया जाए। हम लोग क्लासरूम से ही वो सारे चीज़ें डिलीवर करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, और बच्चे कम्प्लीटली जो है अपने पढ़ाई पर ही फोकस करते रहे। आपका सर नाम? मेरा नाम विकास गुप्ता हुआ, और हम यहाँ केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं, ठीक है। और यहाँ पर केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, साइंस स्ट्रीम में, और कॉमर्स में भी, और ये आर्ट्स में भी सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और हम लोग का ये जो सिलसिला है अच्छे रिजल्ट देने का, वो आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से चला आ रहा है। हम लोग के स्कूल से हर साल मतलब कि 90% से वह बच्चे, मतलब काफ़ी संख्या में, सारण में तो सबसे अधिक होते हैं, सारण में सबसे अधिक हमारे यहाँ से 90% से अधिक बच्चे होते हैं। और ये सब हम लोग टीचर के गाइडेंस और बच्चों की मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। बच्चे यहाँ पर जम के मेहनत करते हैं, उनको उस लायक बनाया जाता है कि वो आगे कहीं भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी फील्ड को ज्वाइन करें, ठीक है, वो वहाँ पर अपना परचम लहराएं, उनको वहाँ पर किसी चीज़ की बाधाओं को सामना ना करना पड़े, वो अपना मतलब उन लोगों को काबिलियत दे दी जाती है ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में अपना परचम लहरा सकें।